आप सभी ने हाल ही में खबर सुनी होगी कि पेटीएम बंद हो जाएगा, लेकिन क्या है पूरी सच्चाई, क्या है असली रीजन, क्या सच में पेटीएम बंद हो जाएगा? इस सवाल का जवाब बहुत लोग जानना चाहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को पूरा देखें। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगाते हुए ये कहा है कि 29 फरवरी 2024 से ये सेवा रोक दी जाएगी, चालू नहीं रहेगी। वजह बताते हुए आरबीआई ने कहा है कि पेटीएम ने कई सारे नियमों का उल्लंघन किया है, कई सारे कायदे कानून तोड़े हैं और इसका असर उसके शेयर पे भी देखने को मिला है। पेटीएम के शेयर में भी भारी गिरावट देखी गई है। आरबीआई ने अपने बयान में कहा कि पेटीएम की ऑडिट रिपोर्ट और बाहरी ऑडिटरों की रिपोर्ट में पाया गया है कि पेटीएम ने लगातार नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के 35A के नियम के तहत 29 फरवरी के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक में कोई भी क्रेडिट, डेबिट, ट्रांजेक्शन, वॉलेट, फास्टैग का इस्तेमाल कस्टमर नहीं कर सकेंगे। साथ में आरबीआई ने यह भी कहा है कि पेटीएम को अपने ग्राहकों को, अपने कस्टमरों को बैलेंस निकालने और इन्हें इस्तेमाल करने की पूरी सुविधा देनी होगी। पेटीएम की पेरेंट कंपनी यानी OCL ने कहा है कि पेटीएम पेमेंट बैंक आरबीआई के निर्देशों के अनुपालन काम कर रही है और ये काम अब और तेजी से किए जाएंगे। उन्होंने अपने बयान में कहा कि एक जिम्मेदार पेमेंट ऐप होने के नाते वो सिर्फ पेटीएम पेमेंट बैंक में ही नहीं और भी कई सारे बैंकों के साथ मिलकर काम करती है। 29 फरवरी तक जो भी पेटीएम की सर्विसेज है वो सामान्य रूप से काम करेंगी, जैसे अब तक आप उसे यूज करते आए हैं। अगर आपने अपने पेटीएम को किसी भी निजी या सरकारी बैंक से जोड़ रखा है तो आप UPI का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वॉलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पेटीएम बैंक से लिंक वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। 29 फरवरी के बाद से ऐसा नहीं होगा। जो भी दुकानदार पेटीएम पेमेंट बैंक में अकाउंट में पैसा रिसीव करते हैं वो अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 29 फरवरी के बाद आप क्रेडिट नहीं कर सकते पेटीएम पेमेंट बैंक में। इस मामले पर आपका क्या कहना है आप हमें सेक्शन में बताएं, और जब तक वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जब तक ज्ञान गंदे ना बने।